मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन नाकाम साबित हुए। इसी बीच किसी ने फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुला लिया। मौके पर आए फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। ये मोहल्ला हर्षनगर में निकट शमशान घाट के पास में यहाँ बड़ा ट्रांसफार्मर रखा गया है। आज अधिक गर्मी होने के कारण ट्रांसफार्मर गर्म होता चला गया और उस गर्मी की वजह से उसमें धुएं निकलने स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर बहुत बड़ी आग काटा हुआ दिखा कर लिया। मोहल्ले वालों ने मिलकर इस वक्त बहुत काबू पाया आग पर। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, इसके सभी के सहयोग से ट्रांसफार्मर में जो आग लगी थी उस पर काबू पाया गया और एक मोहल्ले की जागरूकता की वजह से एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। कहते हैं समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और इसी धर्म को कितने लोग निभाते हैं ये किसी से छुपा नहीं है, मगर इस धर्म को बखूबी निभाया है डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने। जहां एक ओर धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर चकाचौंध भरे इस दौर में लोगों का शोषण करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते, वहीं फतेहपुर में डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जो कि पिछले काफी समय से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के बच्चों को चिकन पॉक्स, डेंगू, निपाहा लू से बचाव के लिए निशुल्क होम्योपैथी औषधि का वितरण करते आ रहे हैं। पिछले एक वर्ष 6 महीने में 130 से अधिक शिविर लगा के करीब 40,000 से भी ज़्यादा गरीब बच्चों और लोगों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगा के चिकन पॉक्स, डेंगू, लू, निपाह जैसी बीमारियों से बचाव हेतु होम्योपैथी का औषध निःशुल्क वितरित करने के लिए नाम दर्ज किया। आगे की क्या सोच है? आगे मेरा ये कार्य बस अनवरत चलता रहेगा और इस तरह ऐसे पुस्तकों में नाम दर्ज होने के बाद जो है ये मेरे कार्यों को और प्रेरणा देते हैं और मुझे प्रोत्साहन मिलता है और ये कार्य अनवरत मेरे जीवन तक काल तक चलता रहे। जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव खालोर में स्थित एक दलदल तालाब में दो गोवंश बुरी तरह धंसने के बाद बिल्कुल लापता हो गए, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस दलदल तालाब की शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। मुरादाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज लोभियों ने नवविवाहिता को जिंदा जला डालने और उसके बाद बिना किसी को बताए ससुराल वाले क्रियाकर्म के लिए शमशान तक पहुंच गए और चिता में आग लगाकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। की एक महिला की हत्या हुई है दहेज के चलते, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये दहेज के लिए है, अपने इसमें दहेज मांगा गया, माँ बाप को समझिया रह गया। तो लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी लड़की? ये 3 दिन पहले ही अपने महके में थी, उसके बाद में उसका ये घर वाला लड़की को लुवा के घर ले गया। लड़के के माँ बाप ने उन्हें भेज दिया समझा के। उसके बाद अगले ही दिन को गांव से फोन आया कि आपकी लड़की ख़त्म हो गई है। तो आपने जो है तहरीर वगैरह दी है, मुकदमा लिखित हो गया, तो कितने नाम है उसमें? जी उसमें 4 नाम। तो क्या पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है? जी अभी तक नहीं की। क्या चाहते हैं? गिरफ्तारी चाहते हैं सर, कि उनकी 4 की गिरफ्तारी हो, उन्हें सजा मिले। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह कुमार। तो ये जो आपकी बेटी है इनके साथ में क्या किया है ससुराल में? देखो जी ये तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी जो है हमें जो सुनने में आया कि इनका लड़ झगड़ा होता है सास से और फिर उन्होंने दहेज प्रथा लगा रखे हैं, ये मांगते हैं तो दहेज, जबकि हमने अपने हैसियत से ज़्यादा ही नहीं दिया है। तो अभी अभी जो है पुलिस में आपने कार्रवाई करी है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस ने? कोई गिरफ्तारी वगैरह करी है अभी? अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जल्द जल्द गिरफ्तार हो मैं और मुकदमा आगे बढ़े। जैसे कि आप बेटी के बाप हैं, आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है, तो ऐसे में क्या आप सरकार से मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दोषियों के खिलाफ?
और दूसरे खिलाफ कि आगे से किसी साथ आदमी कोई भी साथ हुआ ऐसा ना करे जैसा साथ हुआ है। नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उसके ससुराली जन द्वारा बगैर मायके पक्ष को सूचना दिए उसका दाह संस्कार करने की कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर पुलिस ने श्मशान घाट से डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। दहेज उत्पीड़न के लिए ये आरोप लगाया गया है और अभी छानबीन जारी है। जबलपुर की अग्रवाल कॉलोनी में संचालित सुकून होटल पर कोतवाली थाना पुलिस ने आज छापामार कार्रवाई की। होटल में अनैतिक गतिविधि होने की सूचना पर छापा मारने पहुंची पुलिस ने होटल के रजिस्टर को खंगाला तो कई युवक युवती बिना आईडी प्रूफ और रजिस्टर में बिना एंट्री के पाए गए। पुलिस ने होटल के पूरे रिकॉर्ड भी खंगाले जिसमें कई खामियां मिली। क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई से? सूचना मिली थी कि सुकून होटल जो यहाँ पे है अग्रवाल कॉलोनी में, उसमें कुछ अवांछनीय लोग रुके हुए हैं। वो सूचना पे यहाँ पे होटल को आके चेक किया गया, उनके रजिस्टर को चेक किया गया। रजिस्टर में और रुके हुए यात्रियों के उसमें कुछ खामियाँ हैं, तो उसमें इनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अनियमितताएँ पाई गई हैं। उनकी पूरी आइडेंटिटी और सब चीज़ भरी नहीं गई है, उनकी पूरी कॉलम्स जो हैं वो नहीं भरे गए हैं, तो उसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल नंबर्स वगैरह भी। जबलपुर में अपनी कार्य प्रणाली के लिए पुलिस विभाग और जनता में विश्वास पैदा करने वाले एसपी अमित सिंह हमेशा ही सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने एक नया प्रयोग कर लोगों को सेहत और पर्यावरण के प्रति सजग होने का संदेश दिया है। दरअसल हमेशा सायरन वाली कार में सवार होकर घूमने वाले एसपी अमित सिंह आज साइकिल से पुलिस कंट्रोल रूम जा पहुंचे, जिसे देखकर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैरान रह गए। मेरठ के सूरजकुंड स्थित राजकीय बाल गृह की सुरक्षा को धत्ता बताकर तीन किशोर फरार हो गए। सुबह गिनती में तीन किशोर कम मिलने पर हड़कंप मच गया। अंदर खाने खोजबीन के बाद भी कोई सुराग न लगने पर नोचंदी थाना को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने प्रथम सूचना दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में भी मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सर, बात सुन गया सर, तीन बच्चे फरार हुए, क्या पूरा मामला है? ये नगर के सूरजकुंड में एक बाल गृह स्थापित है जो चाइल्ड केयर यूनिट द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसमें आज 14:15 की रात में करीब 1:09 पर बिल्डिंग से पीछे की साइड से तीन बच्चे पाइपलाइन के सारे उतर के भाग गए हैं। इस संबंध में FIR दर्ज कराई गई है और बच्चों की तलाश जारी है और जिलाधिकारी महोदय से इसकी मजिस्ट्रियल जांच की भी संस्तुत की गई है। सर, ये बच्चे जो कौन कौन सी धाराओं में लुप्त हैं? नहीं, ये धाराओं में नहीं थे, ये केवल केयर करने के लिए थे वहाँ। सर, बच्चों की उम्र कुछ है? इन बच्चों की उम्र करीब किसी की 16 साल है, किसी की 14 साल है, किसी की 15 साल है। सर, इस तरीके से लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? वो जांच होगी, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बच्चे काफी भागे हैं। हाँ, पहले भी जानकारी हुई है, पहले भी भागे हैं और इस बार भी घटना हो गई है, जाँच की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से मोटरसाइकिल, तमंचे और मोबाइल बरामद किए हैं। मेरठ में घर से सामान लेने गई नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात सामने आई है। युवती के परिवार वालों का आरोप है कि पड़ोस के ही रहने वाले युवक ने लड़की को जबरदस्ती घर में खींचकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने घर पहुंचकर इसकी जानकारी परिजनों को दी तो परिजन उसको लेकर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने युवक के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना मोडाली पर क्षेत्र में एक गांव पड़ता है अजराड़ा, वहां पर एक सूचना आई थी कि एक बालिका के साथ उसी गांव के रहने वाले एक शख्स ने, जिसकी कि परचून की दुकान है, वो बालिका जब इसकी दुकान पर सामान लेने आई थी तब इसने उसके साथ बलात्कार किया। इस संबंध में थाना मोडाली पर एक मुकदमा 376 IPC और SC ST की समुचित धाराओं में लिखा गया है और जो एक्यूज है उसे इस मामले में जेल भेजा गया है। जिस एक्यूज का नाम मेहताब। धन्यवाद।
यूपी के खुशीनगर की बात करते हैं, जहां उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक सवारियों से भरा वाहन पलट गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में घायलों को एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए नजदीकी सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं यूपी के देवरिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले दिनों हुए युवक की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी ने हत्या करके शव को पेड़ से लटका दिया। शव लटकता हुआ दिनांक 7 जून को मिला था। प्राथमिक तौर पे यह अज्ञात शव था, जिसमें हमारे थाना प्रभारी ने प्रयास किया और ये पाया गया कि वो व्यक्ति सिवान बिहार का रहने वाला था। यहाँ उनका एक परिवार से संबंध था और वो एक महिला के संपर्क में आया था, जिसको वो किसी न किसी तरह से झांसा दे करके उसने उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह बना ली थी। बाद में वो ब्लैकमेलिंग की बात जब शुरू हुई तो महिला और उसके हस्बैंड ने मिल करके उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसका शव पेड़ से लटका दिया ताकि बच्चा ये लगे कि आत्महत्या का मामला है। पोस्टमार्टम कराने पर वो पाया गया कि उसकी गला दबा कर हत्या की गई है। इसका हमारे सीओ जो वहाँ के हैं, पुलिस एसपी साहब के नेतृत्व में सीओ और इंस्पेक्टर और हमारी सर्विलांस टीम ने प्रयास करके उस घटना का अनावरण किया है, और उसमें जो महिला और उसके हस्बैंड जिन्होंने उसकी हत्या की है उनकी आज गिरफ्तारी हुई है। उनके इसमें कोई मतलब अवैध संबंध है क्या? यह मूलतः शुरू में संबंध एक संबंध बनाने को लेकर के धीरे धीरे वो इलिसिट रिलेशन में आल्टर हो गया था, और बाद में उस महिला को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है। रंगदारी मांगने के मामले में वांछित शातिर अपराधी बबलू उर्फ कामिल को मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कामिल के पास से एक तमंचा और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। सर, रात एक भोगपुर मोड़ पर मुठभेड़ हुई है, सर क्या मामला है? खुर्जा नगर पुलिस रात्रि में एक विशेष चेकिंग अभियान चला रही थी कि मुखबिर ने आकर के बताया कि भोगपुर मोड़ के तरफ से एक अपराधी जो 14 तारीख को जो रंगदारी का मुकदमा हाजी सरताज पोल्ट्री व्यवसायी ने लिखाया था, उसका अपराधी आ रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और उसने अपराधी को रोकने का प्रयास किया। जवाबी फायरिंग में उसको एक गोली लगी है और अपराधी से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सर, क्या अपराधी का इतिहास रहा, क्या नाम है इसका? ये बल्लू उर्फ कामिल है, जो खुर्जा नगर का ही रहने वाला है। इसने हाजी सरताज से रंगदारी मांगी थी। इसका मुकदमा अपराध संख्या 357/19 पंजीकृत था। तत्काल इसका जो अभी तक जो आपराधिक इतिहास पता किया गया है, ये करीब 8 मुकदमे इसके खुर्जा नगर थाने पर पंजीकृत है। अन्य थानों से इसके मुकदमों के बारे में जानकारी की जा रही है। आप पर गोली क्यों चलाई गई? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, हम लोग क्रॉकरी का व्यापार करते हैं। मेरे चाचा हाजी सरताज, उनसे 10 लाख रुपए की फरौती मांग रहे थे। करीब 6 महीने हो गए मांगते मांगते, तो उसके बाद जो है फरौती हमने दी नहीं, तो आज वो हमारे महल्ले में आ गए। उन्होंने 2 फायर करे, इतने में हाजी सरताज चाचा जो बाहर को आए और मैं जो बाहर को आया, तो उन्होंने सीधा हाजी सरताज चाचा पर फायर करा। वो तो अगर मैं ऐसा हाथ से ना पकड़ता तो चाचा को तो मार देते। वो तो कौन लोग थे? कौन लोग थे वो? वो बल्लू था, बल्लू पड़ोसियों में से। यूपी के शाहजहाँपुर में पुलिस ने एक डॉक्टर के अस्पताल से मिट्टी के तेल के 12 ड्रम बरामद किए हैं, जिनमें 2400 लीटर अवैध मिट्टी का तेल भरा हुआ था। मिट्टी का तेल को कालाबाजारी के लिए यहां ले जाया गया था। फिलहाल पुलिस ने भारी मात्रा में मिट्टी के तेल को बरामद करके मामले की जांच शुरू कर दी है। थाने में पता चला है मुझे। अच्छा जी, क्या कार्रवाई की जा रही है? जांच की जा रही है, और भी कोई कार्रवाई की जा रही है? भाई जांच के बाद पता चलेगा ना कि ये तेल सरकारी तो तेल तो मिट्टी का तेल है। ये कोटे हमारे उच्च दर विक्रेता का है या किसी अन्य माध्यम से यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी पड़ताल की जा रही है। किसके यहाँ पाया गया तेल?
ये तेल आप ही लोगों की सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि खुले प्लाट पे पाया गया, जो थाने से हमें सूचना मिली। और सर जो तीन ड्रम अंदर बरामद हुए जी एक डॉक्टर के प्लाट में, हाँ वो एक यहीं पर स्थानीय लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब का ये प्लाट है जो बन रहा है, जिसपे एंट्री का प्रवेश का कोई द्वार नहीं, खुला प्लाट पड़ा है, इसमें कुछ निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जिस पर तीन प्लाट अंदर की तरफ पाए गए, ये बताया गया स्थानीय लोगों को। यूपी के शाहजहांपुर में बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को चाकू से गोद कर नदी में फेंक दिया। नाबालिग के भाई ने भी घटना में अपने पिता का साथ दिया। बेटी को मरा हुआ समझकर दोनों फरार हो गए, लेकिन बेटी की जिंदगी बच गई और गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। किस हालत में वो यहां पर भर्ती है, क्या हुआ है उसके साथ, क्या जानकारी है? जानकारी हमको ये मिली है कि हमने सुबह जो है 6-7 बजे फोन भेजा था अस्पताल से एक पुलिस वाले ने, और उन्होंने कहा कि आपके साले यहाँ आए, आपको याद कर रही, आपको यहाँ आना है, किसी को लगी है एक्सीडेंट हो गया है, ये कुछ भी सही मतलब बताया उसने। लेकिन हम जब यहाँ आए तब पुलिस वाले एक लेडीज एक जेंट्स मिला था, उन्होंने हमको उनको हैंड ओवर किया और हमारे घर से कल आए थे, हमारे परिवार में मोहल्ले में पता कर हो जाके कल मोटरसाइकिल आई थी बैठ के, तो हमारे साले थे हमारे ससुर भी थे। क्या बता रही है आपकी साली, कैसे क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ ससुर ने और साले ने बता रही कि उनको उन्होंने मारा, क्यों मारने की कोशिश की है कुछ बता पा रही है? पता नहीं है तो भाई उन्होंने बता सकती है, बोल रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को 2019 के वर्ल्ड कप में मैच में करारी शिकस्त दी है। भारत की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया, वहीं टीम इंडिया भी इस शानदार जीत के बाद जबलपुर में भी जश्न मनाया गया, जहां दिवाली वाला नजारा देखने को मिला, जमकर आतिशबाजी की गई। मैच शुरू होने के साथ ही क्रिकेट प्रेमी टीवी से जुड़े रहे। लगातार 7वीं बार विश्व कप में भारत की जो जीत हुई है उसको लेकर काफ़ी उत्साह है। ये उत्साह जबलपुर शहर की सड़कों में आपको देखने को मिल सकता है। खेल प्रेमी आज सड़कों पे उतरे हैं, फटाके फोड़ के मिठाइयां बांट के खुशियां मना रहे हैं। हमने भी आज नौदरा पुल में फटाके फोड़ के मिठाइयां बांट के अपनी खुशियों का इजहार करा है, और निश्चित तौर पर हमें भरोसा है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप फिर से एक बार देश के अंदर लेके आएगा। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में एक प्रसूता महिला से शराब के नशे में वार्ड बॉय ने छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को हिरासत में ले लिया है, और सीएमओ दावा कर रहे हैं कि वार्ड बॉय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसे हटाया जाएगा। सर अभी कुछ देर पहले महिला अस्पताल में पुलिस आई है, बताया जा रहा है कुछ छेड़छाड़ का मामला किसी महिला से, सर क्या पूरा मामला? हमें भी खबर मिली कि कोई गार्ड है जो कि सेवा प्रदाता कंपनी से रखा गया है, उसने दारू पी के जो है कुछ महिलाओं के साथ अपद्रता करने की कोशिश कर रहा था, मैं भी उसी कंप्लेन पे आया था। पता लगा कि जितेंद्र वार्ड बॉय है जो कि गार्ड में जिसकी ड्यूटी है, तो वो दारू पी के आया था, तो मैंने भी स्टाफ और उन लोगों से पूछताछ की है, सेवा प्रदाता कंपनी से है, तो कल उसकी कार्रवाई करेंगे, उसे हटा देंगे। अभी सर पुलिस कंप्लेंट की है तो पुलिस में गया क्या वो? हाँ नहीं, मैं आया तो पता चला कि पुलिस उसे ले गई है, तो मैंने कर्मचारियों से उस घटना की जानकारी ली, अब उनसे कंप्लेन हमने ले ली, सुबह कार्रवाई करेंगे, उसे सेवा प्रदाता से है तो उसे हटा देंगे। ठीक, क्या नाम आपका? नाजरा, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था, डॉक्टर साहब आए थे, मैं कह रही कि हम बच्चों को देखना आए थे, मैंने मेरी सासू माँ कह लगी नहीं बच्चों को नहीं देख रहे, हम गर्भवती औरतों को देख रहे हैं, उसको दिखा दो। फिर मैंने उन्हें दिखाया तो मेरे पेड़ों को देखा था उन्होंने, मैं अपने दुखन बता रही थी, कह लगे मैंने कि टांग में परेशानी में टांग में दुखन सी होती है, तो कह लगा उनका लाओ नाड़ा खोलो, मैंने नाड़ा नहीं खोल के दिखाया, फिर उसने हाथ चलाया मेरे ऊपर, बदतमीजी बहुत ज़्यादा करी थी मेरे साथ, तो कह लगे दिखाओ नहीं, आला फेर के देखा मेरे पेड़ों पे, सलवार खोल दी थी मेरी, नीचे सलवार कर रहा था, मैंने सलवार अपनी पकड़ ली थी। महिला डॉक्टर नहीं थी कोई? नहीं, कोई पहली बार आया था ये डॉक्टर, अनु कह रहा था लेबर रूम में भी तो डॉक्टर देखता है। तो क्या नशे में था कुछ, शराब पी? हाँ शराब पी रखी उन्होंने। क्या नाम है कुछ पता डॉक्टर का? नाम की मुझे पता नहीं थी। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में पुलिस उत्पीड़न से लाइनमैन की मौत का मामला सामने आया है। जैसे ही मौत की खबर नगर पालिका में पहुंची, वैसे ही सभी कर्मचारी मृतक कर्मचारी के घर के पास जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे।
उनका कहना था कि पुलिस ने कारोबारी के कहने पर इतना दबाव बनाया कि नन्हे की दहशत में जान चली गई। ये पूर्व में एक श्रीकांत गुप्ता जी के यहाँ चोरी हुई थी, उस सबके आधार पे इनको पूछताछ के लिए काफ़ी पहले बुलाया गया था, काफ़ी समय पहले। फिर पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया था। आज उनकी अचानक डेथ हो गई, तो इसका आरोप उन्होंने लगाया श्रीकांत गुप्ता जी पे और कि इनके पूछताछ ही सभी इस कारण मृत्यु हुई है। फिर सबको समझा बुझा दिया गया है, जाम हट गया है और उन्होंने जो तहरीर दी है उस आधार पे कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। हाँ, पीएम के लिए भेजा गया है। सर अब तक की जांच में क्या पाया गया, क्या लगा? अभी तो पीएम परिजनों के कहने से तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें कुछ कहा जा सकता है। क्या है मामला? मुझे अभी पता लगा है कि जो है जो जो संदिग्ध लोग रहे थे जिनसे पुलिस छानबीन कर रही है उसमें से किसी की मौत हुई है। बाकी चोरी मेरे यहाँ हुई थी आठ मई पिछले महीने के 8 तारीख में। तो सर नाम दर्ज किया था या फिर अभियासी? मैंने नाम दर्ज नहीं किया था, मैंने जो है जो घटनाक्रम था उसके बारे में बताया था, मैंने कोई नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो जैसे पुलिस ने पिछली बार पाँच दिन रखा था थाने में, तो आपको बुलाया गया था? ना, मुझे नहीं बुलाया गया था, अपनी जाँच करी थी पुलिस वालों ने। अच्छा, मारपीट का भी मामला बताया गया कि मारपीट गई थी पुलिस वालों से? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने क्या किया, आपसे क्या जानकारी जुटाई पुलिस ने? नहीं, हमसे तो ये जानकारी जुटाई कि भाई जो हमारा घटनाक्रम था, हमारी रिपोर्ट दर्ज है वहाँ पे, आप उसका जो है कॉपी ले लीजिए, उसमें हमने कोई नाम दर्ज। जैसे उनका आरोप है झूठे नाम में आपने उठवाया है और पुलिस ने उठाया, उसको मौत हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? मेरे कहने से पुलिस के उठाने लगी, पुलिस ने जो ठीक समझा होगा वो किया। मैं नाम लिखवा दिया था और बहुत परेशान किया है, बार बार पुलिस को भिजवा रहा है वो, और पुलिस बहुत तंग कर रही थी और पुलिस ने जो है मारा भी काफ़ी है। आई से मैं 4 दिन बंद रखा पुलिस ने और आज तक मतलब यह का कोई समाधान नहीं हो पाया है इसका। क्यों, किस कितने दिन पहले की बात है ये? 8 तारीख की बात है। अच्छा जी। हाँ, पुलिस कहाँ की थी? पुलिस बिलारी की है। तो क्या टॉर्चर करती थी पुलिस? जी, घर पर आती थी? घर पर कई कई चक्कर लगाए, कई कई फिर इसके बाद मतलब ये रात के 11:30 बजे ले गए यहाँ तो उठा के और वहाँ जाके मारा पीटा बंद कर दिया, 4 दिन के बाद छोड़ा है। अच्छा जी हाँ। अब क्या हुआ आज? आज तो ये हुआ कि पुलिस ने तंग करा बहुत, दो तीन दफ़े पुलिस घर पे आ गई, घर वालों को भी परेशान करा, इनके बच्चों को परेशान करा और रात भी बुलाया साहब, रात 2 दफ़े बुलाया, 6 बजे बुलाया, फिर 6 बजे के बाद आई पुलिस। नाम जानते हैं पुलिसकर्मी का? अब साहब नाम तो मैं जानता नहीं। आज क्या घटना हुई है? क्या वो पुलिस वालों ने बुलाया था आई समय तो कोई पुलिस वाला मिल गया है ने, तो वो मतलब ये साथ ले गया बुला के। इसके बाद हम जो है काफ़ी दूर थे, इसके बाद वो साइकिल में बैठा के ले गया। अब ना मालूम फिर आज के बाद तो क्या हुआ। दहशत से हुई? दहशत से हुई है साहब जी हाँ। नगर पालिका पहुँचा, हाँ बिल्कुल, पुलिस के डर से, पुलिस के डर से। योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों का फरमान जारी करके भले ही वाहवाही लूटी हो, लेकिन बदहाल सड़कों पर जिंदगी आज भी दाव पर लगी है। प्रशासन वाहन चालकों को सुरक्षित साफ सुथरी सड़क आवागमन के लिए नहीं दे पा रहा है। नतीजा हिचकोले खाते मार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर घरों के चिराग बुझ रहे हैं, जिसका खामियाजा उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर की, जहाँ पिछले 10 सालों से सड़क पर सुरक्षित सफर एक सपना बनकर रह गया है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन के काम ने जू तक रेंगी और ना ही जन प्रतिनिधि सड़क को लेकर गंभीर दिखाई दिए। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, अभी मैं पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री से भी मिला, इसके घोषणा हो गई, अतिरिक्त पैसा जारी होने वाला, हम समझते हैं ये जल्दी बहुत जल्द पुल बन जाएगा। शुभ नाम क्या था आपका? आप रोज आते आते हैं यहाँ से? रोज आते जाते। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर निकलना नहीं आता भैया। क्या हो गया? मिट्टी हुई है, नीली रेता पड़ी हुई, पुल टूटा हुआ है। कब से? कम से कम 2 साल हो गए। वहीं जिला गाजियाबाद में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अगर आज आप किसी अस्पताल में इलाज के लिए जा रहे हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गाजियाबाद में डॉक्टर ने पैदल मार्च निकाला।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मरीज अस्पतालों में परेशान है और डॉक्टर्स ने आरोप लगाया है कि उनके क्लिनिक और अस्पताल में पश्चिम बंगाल और अन्य जगह से आए मरीजों के तीमारदार अस्पतालों में तोड़फोड़ कर देते हैं, डॉक्टरों के साथ मारपीट और हत्या कर देते हैं। जब डॉक्टर्स ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। डॉक्टर सरकार से सुरक्षा को लेकर सख्त कानून की मांग कर रहे हैं, इसलिए आज गाजियाबाद में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मेरा नाम डॉक्टर मैं डॉक्टर मुक्ता सिंह। आज आप हड़ताल पर हैं, क्या मांगे हैं, किसने आपने हड़ताल की? हमारी हड़ताल इसलिए कि डॉक्टर्स पर लगातार प्रहार, उनके ऊपर वायलेंस, जो डॉक्टर्स हैं जो मरीजों का इलाज कैसे कर सकते हैं, अगर उनके ऊपर ही वायलेंस होगी तो वो अपना बचाव करेंगे या मरीजों की सेवा करेंगे? तो हमारी मांग ये है कि इसके अगेंस्ट जो डॉक्टर्स पर वायलेंस हो रही है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को एक सख्त कानून बनाना चाहिए जो नॉन अवेलेबल होना चाहिए। क्या मांगे आपने? मेन हमारी यही मांग है कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको गवर्नमेंट इंश्योर करे, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर दिन और रात डॉक्टर्स जो हैं मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, अगर वहीं पर इस तरह के प्रहार होंगे डॉक्टर्स के ऊपर तो डॉक्टर्स ऐसे इनसिक्योर एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते, तो उसको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप्स उठाने पड़े। लक्ष्मी जी, आप यहाँ डॉक्टरों को दिखाने के लिए हैं, डॉक्टर ने देखा आपको? नहीं। क्या बता रहे हैं? पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आज मेरठ जनपद के करीब 1300 चिकित्सक हड़ताल पर हैं। इससे 272 अस्पताल बंद हैं। डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रखी जाएंगी, ऐसे में मरीजों को परेशानी होना लाजमी है। हालांकि सरकारी अस्पताल खुले रहेंगे।